सिटी एसपी मोहम्मद सरफराज आलम ने प्रेस वार्ता कर ये बताया है कि पिछले लंबे समय से यह गिरोह नवजात बच्चों की खरीद बेच कर रहा था। इनके तार मोगा और मुक्तसर से जुड़े हुए हैं। एसपी आलम ने बताया कि गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों से ये बच्चों का 70 से 80 हज़ार रुपये का सौदा करता था और 5 से 7 लाख रुपए के बीच ये बच्चों को बेचा जाता था। एसपी आलम ने बताया कि सभी मुलाजिम अलग अलग ज़िलों से संबंधित हैं और इनके तार दिल्ली से जुड़े हुए हैं। एस एस पी पटियाला दी गाइडेंस हेड पटियाला पुलिस नू एक बड़ी कामयाबी मिली जदों एस पी सिटी वन वैभव चौधरी आई पी एस ते इंस्पैक्टर हरजिंदर ढिल्लो एस एच ओ कोतवाली ते सब इंस्पैक्टर गुरप्रीत कौर की टीम वालों एक नौजन्मे बच्चे नू खरीद फरोख्त करने वाले ऑर्गनाइज गैंग का पर्दाफाश किया गया। साढ़े को खुफिया इनफॉर्मेशन सी जिसके तहत 30/8/2024 सोनोरिया अड्डा को रेड करके एक गैंग नू काबू किया गया और गैंग के 3 मैंबर नू अरेस्ट किया गया। उन्होंने नाम कुलविंदर कौर ते सरबजीत कौर ते राजेश कुमार है। इन्हों की पूछगिछ तो बाद जो असी मुक्तसर साहब पासे रेड की गई तो उत्थे एक जसनदीप कौर ते कमलेश कौर नू काबू किया गया। जरा पहला रेड होया सीगा उहदे विच 10 दिन के एक बच्चे नू बरामद किया गया। जरा दूजा रेड होया मुक्तसर साहब वाला उत्थे 3 दिन की बच्ची नू